कंगना को इमरजेंसी की रिलीज रुकने से हुआ आर्थिक नुकसान, बोली फिल्म में सारी जमा पूंजी लगा दी थी इसी वजह से बेचना पड़ा बंगला। फिल्म इमरजेंसी की रिलीज रुकने से कंगना रनौत को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, यही वजह है कि उन्हें पिछले दिनों अपना मुंबई स्थित बंगला बेचना पड़ा है। कंगना ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कंगना ने कहा, मेरी फिल्म रिलीज होने वाली थी तो मैंने उसमें अपनी पर्सनल जमा पूंजी लगा दी थी, अब वो रिलीज नहीं हो पाई तो क्या करती, प्रॉपर्टी ऐसे ही समय में काम आती है, इसलिए मुझे बंगला बेचने का डिसीजन लेना पड़ा। कंगना ने जिस मुंबई स्थित बंगले को बेचा है उसे वो अपने प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स के ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करती थी। इसे उन्होंने 32 करोड़ में कोयम्बटूर की श्वेता बथीजा को बेचा है। इसे बेच करके उन्हें 12 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉपर्टी मुंबई के पाली हिल बांद्रा जैसे पॉश इलाके में है। इसे कंगना ने 2017 में 20 करोड़ रुपए में खरीदा था। पाली हिल स्थित कंगना की ये वही प्रॉपर्टी है जिसको सितंबर 2020 में बीएमसी ने नुकसान पहुंचाया था। तब अनाधिकृत निर्माण के आधार पर उनके बंगले में तोड़फोड़ की गई थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना की फिल्म इमरजेंसी को कुछ बदलावों के बाद सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को यूजलेस ए सर्टिफिकेट दिया है। इस फिल्म के कई सीन पर CBFC ने आपत्ति जताई थी। अब ये फिल्म कई कट और बदलावों के बाद कुछ ही हफ्तों में रिलीज की जाएगी। पहले ये 6 सितंबर 2024 को रिलीज होने वाली थी।